नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। आप सबको याद होगा, जब तक कोरोना नहीं आया था इंडिया में, या और स्पेशली हम अगर बात करें अरुणाचल में, तब तक पता नहीं था कि अरुणाचल का हेल्थ सेक्टर किस तरीके से चल रहा था। गवर्नमेंट तो बार बार कहते थे कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हेल्थ सेक्टर है, लेकिन जब कोरोना आया तब पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में एक डेडिकेटेड आईसीयू रूम नहीं था, इवन लाइक वेंटिलेटर्स नहीं था, कह सकते बहुत पिछड़ा हुआ था। सिर्फ पेपर्स में ही जो हेल्थ सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो ट्रिम्स बन चुका है, मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, कई स्टूडेंट्स यहाँ से ऑलरेडी फर्स्ट बैच पास होकर जा चुका है। लेकिन आज हम जो मुद्दे में बात करने वाले हैं, उसके लिए फिर से हम आज आए हुए हैं ट्रिम्स नाहरलगुन पे। और आप मेरे पीछे ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ICCU एंड कैथ लैब कॉम्प्लेक्स, जो अभी कह सकते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हाथ का जितना भी इश्यूज रहता है, डिजीज रहता है, वो अभी डेडिकेटेड एक कह सकते एक डिपार्टमेंट बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे डेडिकेटेड डॉक्टर्स है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है, नर्सेस है। और आज के दिन में हम यहाँ इसीलिए आए, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ICCU यानी कि इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट आज इनॉग्रेशन होने वाला है, जो हेल्थ मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर आलो लिबांग के द्वारा। तो थोड़ी ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो हम प्रोग्राम का जो ग्लिम्सेस है वो तो आप देखिए, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी से भी जानेंगे कि जो यूनिट में कितना बेडेड रहेगा, किस तरीके से फैसिलिटीज रहेगा, वो सब भी हम पूरा डिटेल हमारे रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो हमारे साथ पूरे डिटेल के लिए बने रहिए। यहाँ टीम्स में हम लोग 8-bedded इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट डेडिकेटेड किया है पब्लिक को। तो इस बीच यहाँ और एक पीडर एड हो गया हमारा टीम्स में। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो हार्ट डिजीजेस का पेशेंट के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि पहले असम जाते और दिल्ली में जाता था, तो वह रास्ता में भी बहुत सारे लोग तकलीफ मिलकर गुजर भी जाता था। तो आज यहाँ अपना से यहाँ अवेलेबल फैसिलिटी होने का कारण से हमारा जो नीडी डिजर्विंग जितना भी पेशेंट्स को हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन फेरी फेरी आसाम से भी यहाँ बहुत आता है। तो आपका जो सवाल जो पूछा है, तो हम लोग इतना तो अभी कर रहे हैं, तो 700 जो बेड को तो क्यों नहीं करेगा। अभी अरुणाचल प्रदेश ये टीम्स का 550 स्टूडेंट से अभी 110 स्टूडेंट होने जा रहा है, तो उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उसी को देखते हुए हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा, जो भी ह्यूमन रिसोर्स जरूरी होगा, उसके लिए भी हम लोग अभी पाइपलाइन में प्रोग्राम में है, वो जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली स्पेशलिस्ट तो सिर्फ हमारे यहाँ में, बहुत सारे अदर हॉस्पिटल में भी, ये स्टेट में भी स्पेशलिस्ट का तो बहुत कमियाँ हैं, फिर भी वो तो एक ना एक दिन तो हो जाएगा। जब वेल देयर इज ए वेल देयर इज वे, तो यह हमारा अपना ये से भी स्टूडेंट से भी हम लोग और आगे बढ़ेगा। हमारा बहुत सा ये हमारा ये डॉक्टर्स है, वो सब अब पार्टनर स्टेट के लिए हम लोग भेज दिया है, बहुत सा आ जाएगा। और बाहर से भी उसका हम लोग एट पर नीट बेस सब्जेक्ट वाइज में हम लोग उसको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो जरूर करेगा। हमारा जीनी साहब साथ में है, जरूर करेगा वो भी। सर आ जाएगा बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, लेकिन इंटीरियर एरिया में डॉक्टर्स नहीं अपॉइंटेड होता है, लेकिन वो लोग पोस्टिंग प्लेस में जाता नहीं। उसके लिए आप लोग बोलते हैं कि एक्शन लेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। अभी तो मैं स्टेट में मैं एक तो रेशनलाइज प्रोग्राम भी किया है, वो अभी थोड़ा आफ्टर दिस इलेक्शन वो लागू हो जाएगा, वो होने का बात ही होगा। अभी सिर्फ बोलने नहीं, ये सिर्फ बोलने में बहुत सुविधा होता है, लेकिन करने में बहुत तकलीफ होता है, ये बहुत ये हो जाता है। हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन करने नहीं थे, तो मैं जो भी बोलता है उसको करना है बोल के वो कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जरूर बहुत सा इंटीरियर में डॉक्टर का बहुत कमियां है, लेकिन यहाँ में हम लोग इस पर IPS नॉर्म का मुताबिक नहीं होके बहुत सा जगह हम लोग CSC PSC सब सेंटर खुला है, वो हम लोग का कमियाँ है। हम लोग इस पर नीड बेस पॉपुलेशन का बेस को देख के ही हम लोग खुलना चाहिए। ऐसा होने का कारण से हम लोग इन द नेम चेक सिर्फ हम लोग कोई कोई जगह में हॉस्पिटल खुले, उसी कारण से हम लोग का कमियाँ है। अदरवाइज मेरा डॉक्टर यहाँ में कमियाँ नहीं है,
इतना 17 लाख पॉपुलेशन के अंदर भी कितना हॉस्पिटल होने, कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने, कितना CAC होने, कितना PAC होने, कितना डॉक्टर्स होने, वो सबको हम कैलकुलेट करके देखा है तो हम लोग के यहाँ में कमियाँ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग नंबर सब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको भी मैं अभी कुछ हॉस्पिटल को मैं ये स्नैप करना चाहूँगा, हटाना चाहूँगा, कुछ सब सेंटर को हटाना चाहता है और जहाँ नीड बेस में, जहाँ में पब्लिक का जेन्युइनली जरूरी है वहाँ में हम लोग ये करके हम जितना भी MLS काम बोला है, अभी हम लोग जितना भी 60 कॉन्स्टिट्यूंस में हम लोग CAC एक तो मॉडल CAC हम लोग करना चाहते हैं। तो आफ्टर कोरोना बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सेक्टर में, अभी नोटिस रीजन भी बहुत काम कर सकते हैं सर मेडिकल सेक्टर सर। लेकिन आई गेस आप भी अवेयर होंगे कि कुछ दिन पहले रैगिंग का भी बात आया था हाईलाइट में, तो आप मिनिस्टर हैं एंड हॉस्पिटल के बाहर में, इंस्टीट्यूशन के बाहर में लिखा है कि रैगिंग इज क्राइम, लेकिन क्राइम हुआ है, उसका एक्शन क्या हुआ है? रैगिंग इज क्राइम नॉट ओनली इन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, हियर ऑल्सो रैगिंग इज क्राइम। तो इसके लिए फॉर दैट पर्पज में आई हैव डिस्कस विद टीम्स डायरेक्टर इंजीनियर साहब ऑल्सो और अदर ऑफिसर्स भी, जो उसको वहाँ में जो इन्वॉल्व होगा उसको पाई नॉट ओनली से जो डिफॉल्ट होगा उसको तो हम लोग पनिशमेंट दे देगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक लौता ये में मेडिकल कॉलेज में हम लोग अच्छा से ले जाने के लिए कर रहे हैं हम मिलकर, तो उसमें एक दो लड़का का खराब से हम लोग उसको कैसे बदनाम करेगा, इसलिए उसको हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूँगा। Thank you.